उत्तर प्रदेश के बदायूं में महिला सिविल जज ने लगाई फांसी। कमरे में फंदे से लटकती हुई मिली लाश। पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल की। उत्तर प्रदेश के बदायूं में शनिवार की सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब महिला सिविल जज अपने आवास पर मृत पाई गई। 28 साल की ज्योत्सना राय सिविल जज जूनियर डिवीजन के पद पर तैनात थी। उनका शव कमरे में फंदे से लटकता हुआ पाया गया। हालांकि घटना के कारण का पता नहीं चल सका है। भारी पुलिस बल के साथ आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं। जज भी मौके पर पहुंचे हैं। 28 साल की ज्योत्सना राय सिविल जज जूनियर डिवीजन के पद पर तैनात थी। उनका शव कमरे में फंदे से लटकता हुआ पाया गया है। हालांकि घटना के कारणों का पता नहीं चल सका है। भारी पुलिस बल के साथ आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। SSP आलोक प्रियदर्शी ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि महिला जज कोर्ट नहीं पहुंची और फिर साथ ही जज ने पुलिस को फोन कर सूचना दी। मौके पर पहुंचने पर दरवाजा तोड़ा गया तो कमरे में पंखे से लटकती हुई लाश बरामद हुई। घटना स्थल से कुछ डॉक्यूमेंट्स भी मिले हैं जिसकी जांच पड़ताल की जा रही है। सिविल जज ने संदिग्ध हालत में अपने सरकारी आवास में आत्महत्या की है। हालांकि घटना के कारण का पता नहीं चल सका है। भारी पुलिस बल के साथ आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं। जिला जज भी मौके पर पहुंचे। देश में इस तरह की घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं? ना तो समाज चिंतित है और ना ही जागरूक लोगों को कोई चिंता है। सरकार का तो चिंता करने का मतलब ही नहीं है। देखिए, आज प्रातः पुलिस को सूचना मिली 9:30 बजे के आसपास की थाना कोतवाली क्षेत्र में जो जुडिशियल कंपाउंड है वहाँ पे एक महिला जज है जिनका दरवाजा वो नहीं खोल रही है और वो वक्त से पहुंची भी नहीं थी अपने कोर्ट में। तो उनके जो साथी अधिकारी लोग हैं उन्होंने उनको फ़ोन भी किया और जब उनके द्वारा फ़ोन नहीं उठाया गया तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पे पहुंच करके फर्स्ट फ्लोर पे उनका घर था, उसका दरवाज़ा अंदर से बंद था, तो उसको फोर्स ओपन किया। अंदर जा करके उन्होंने देखा तो बेडरूम के साथ जो बगल वाला कमरा था उसमें पंखे के साथ उनकी लटकी हुई हैंड बॉडी वहाँ दिखाई पड़ी। शव को कब्जे में लेकर के पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू की है। वहाँ उनके जो डॉक्यूमेंट्स मिले थे उनमें से भी कुछ चीज़ें प्राप्त हुई हैं जो घटनाक्रम में प्रकाश डालती हैं। समस्त तथ्यों की जांच की जा रही है और इसमें जो भी अगले तथ्य आएंगे उसमें पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। आज की खबर में बस इतना ही। और खबरें देखने के लिए देखते रहिए नेट समाचार तक।